हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरी पार्ट पढ़ाया और मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स, किस किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप स्टोकोमेट्री या स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट के क्वेश्चन कर सकते हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन कर सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन केमिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर से है, वो भी आप तभी कर सकते हो। ये सारी बातें मैंने आपको बताया था। एक बात मैंने आपको और बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट का रिलेशन, मोल की सब्सटेंस के मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से होता है ना, वॉल्यूम से होगा, मास से होता है, और इनका भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन होता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोकोमेट्री एंड स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल के तौर पर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं। यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, सबसे पहले तो आप देखिए कि यहां पे मैंने लिखा कि स्टोकोमेट्री एंड स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, स्टोकोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है और स्टोकोमेट्री वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के मेजरमेंट को स्टोकोमेट्री कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट्स का मेजरमेंट ही करेंगे, किसके टर्म में, मोल्स के टर्म में, मास के टर्म में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में करेंगे, अगर कोई गैसेस सब्सटेंस है तब। तो यहाँ पे स्टोकोमेट्री का मतलब क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव है और इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, सी ए, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए, सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन एच सी एल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हो रहा है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हो रहा है तो इससे सी ए सी एल टू बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये आप देख रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन क्लोराइड ये रिएक्टेंट सब्सटेंस हैं और इनके रिएक्शन से कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोडक्ट है। अब अगर हम लोग इसमें देखें, इनके जो था मोल्स के बात में देखते हैं, मोल्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के पहले कुछ नहीं लिखा है, यानी कि इसका कितना मोल है बेटा, एक मोल है। HCl के पीछे पहले दो लिखा है तो यानी कि इसके कितने मोल्स हैं बेटा, टू मोल्स हैं। कैल्शियम क्लोराइड के पहले कुछ नहीं लिखा है यानी कि इसका एक मोल है। वाटर के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका एक मोल है। और CO2 के पहले भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, वन मोल हो गया। ये आपने जो था सारी चीज़ें देखा मोल के रिस्पेक्ट में, और मोल किसके बेस पर डिसाइड होता है बेटा, कि किसी सब्सटेंस के कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर से देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के पहले कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग लिखेंगे वन मोल, यानी कि एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का है। हाइड्रोजन क्लोराइड के दो मोल्स हैं क्योंकि इसके दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2 के एक एक मोल बन रहे हैं, एक एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसलिए एक एक मोल मैंने लिखा हुआ है। अब अगर इसको मैं मास के टर्म में लेता हूँ, मास के टर्म में, तो मैंने आपको बताया है कि अगर मास निकालना चाहेंगे तो मास किस पर डिपेंड करता है, मोलर मास पर। जो किसी सब्सटेंस का मोलर मास होता है वही मास होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है बेटा, 100 ग्राम पर मोल, या 100 यूनिफाइड मास कह सकते हैं। कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 एटम ऑक्सीजन का 48 अगर हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, इसको भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। ये 40 प्लस 12 प्लस 48 हो जाएगा, तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, ये 100 ग्राम आ जाएगा। HCl की बात करते हैं तो HCl के एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 36.5 हो गया। 36.5 का अगर जो था डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो 2 इंटू यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 प्लस 35.5 हो गया, अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 73 ग्राम हो जाएगा। CaCl2 की अगर
एक मोल की बात करते हैं तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है और क्लोरीन के दो आइटम का कितना हो जाएगा 71। तो 40 प्लस अगर 71 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 111। तो ये देखिए बेटा 40 प्लस 71 अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 111 ग्राम हो जाएगा। वाटर के अगर एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, हाइड्रोजन के एक एटम का 1 तो दो एटम का 2 और ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। अगर CO2 की बात करते हैं तो कार्बन का कितना होगा 12 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 32, ऑक्सीजन के दो आइटम है यहाँ पर, तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा बोलो 44 ग्राम हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है। देखिए फिर से मैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहली बात मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस का मतलब जितना ज्यादा है किसी एलिमेंट रिएक्टेंट के साइड में प्रेजेंट है उतना ही वो एलिमेंट प्रोडक्ट के साइड में है। जैसे एक कैल्शियम हो गया बेटा, एक कार्बन हो गया, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हुआ, ये देखिए बेटा 2 ऑक्सीजन एंड 1 3 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है बेटा यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, यानी कि केमिकल इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन फॉर स्टडी ऑफ स्टोकोमेट्री कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इनमें आपस में रिलेशन डिफरेंट टर्म में है। अब ये रिलेशन जो है किसके किसके टर्म में है, अगर मैं इन रिलेशन को एक्सपेंड करूँ, थोड़ा एलिब्रेट करूँ, तो ये रिलेशन जो हम लोग किसके टर्म में कह सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, रिलेशन की बात कर रहा हूँ। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये CO2 क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, गैस है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यानी कि ये एक्वस फॉर्म में है, ये गैस है। अब यहाँ पे CO2 का कितना मोल बन रहा है, एक मोल बन रहा है, एक मोल का मास कितना है 44 ग्राम, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट HTP या NTP भी हम लोग कह सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिलेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे रिलेशन किसके किसके बीच में है, ये पहली बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये रिलेशन मोल्स टू मोल रिलेशन है, ये देखिए मोल टू मोल रिलेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो है रिलेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रिलेशन मास टू मास रिलेशन हो सकता है। तीसरी बात अगर हम लोग देखते हैं तो ये रिलेशन कैसे हो सकता है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन हो सकता है, ये देखिए। चौथी बात अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब वो एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो अगर हम लोग जितना रिलेशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके टर्म में भी है। फिर कुछ और रिलेशन भी आ रहे हैं, ये रिलेशन क्या है बेटा आप जरा समझिएगा। हम लोग जो तक कह सकते हैं कि मोल से मास के बीच में रिलेशन या मास से मोल के बीच में रिलेशन एक ही बात है बेटा। तो मोल से मास के बीच में रिलेशन या मास से मोल के बीच में रिलेशन आ रहा है। फिर देखिए जो था मोल से वॉल्यूम के बीच में रिलेशन आ रहा है। अगली बात देखिएगा, मोल से वॉल्यूम के साथ रिलेशन आ रहा है, या इसी को कह सकते हैं वॉल्यूम से मोल के साथ रिलेशन आ रहा है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप देखो मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से आ रहा है, ये देखिए मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि जब मैं पार्टिकल्स कहता हूँ बेटा तो वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, किसी के साथ भी हो सकता है, जो भी उस क्वेश्चन में है प्रेजेंट। तो हम लोग मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेशन या नंबर ऑफ पार्टिकल का जो था मोल से रिलेशन हम लोग समझ सकते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगर इसी तरीके से हम लोग देखें तो क्या समझ में आ रहा है कि मास को हम लोग किसके साथ जो रिलेट कर सकते हैं बेटा, वॉल्यूम के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो अब आगे देखिएगा, हम लोग जो मास है मास को वॉल्यूम के साथ रिलेट कर सकते हैं।
या वॉल्यूम को मास के साथ रिलेट कर सकते हैं, एक ही बात है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो मास को नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेट कर सकते हैं, ये देखिए मास को नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेट कर सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल को मास के साथ रिलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैं नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेट कर सकता हूं, ये देखिए बेटा ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके साथ मैं रिलेट कर रहा हूं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वॉल्यूम के साथ रिलेट कर रहा हूं। तो देखिए कि कितने तरीके का रिलेशन हुआ, ये रिलेशन जो था आप देखोगे तो बेसिकली जो था चार हुआ बेटा, ये देखिए फंडामेंटली चार हुआ, मोल का मोल के साथ रिलेशन, मास का मास के साथ रिलेशन, वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेशन, ये चार रिलेशन बेसिक हो गए जो कि फंडामेंटल है, इसको हम लोग फंडामेंटल रिलेशन भी कह सकते हैं। बाकी आपस में म्यूचुअल रिलेशन कर रहे हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः रिलेशन जो था कैसे हो गए बेटा, डिराइव रिलेशन हो गए। डिराइव रिलेशन का मतलब एक दूसरे से इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी है। अब इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं कि मोल से मोल के बीच में रिलेशन, तो मोल से मोल के बीच में रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोल दे सकता है, दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोल पूछा जा सकता है। जैसे इस इक्वेशन में हम कहें कि कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ मोल दिया गया है, HCl का मोल पूछा गया है, या HCl का मोल दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोल पूछ रहा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इन तीनों प्रोडक्ट में से किसी एक का मोल दिया गया है, दूसरे का मोल इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, या किसी दूसरे या तीसरे का जो था दिया गया है मोल और दूसरे सब्सटेंस का मोल पूछ रहा है। तो आपने देखा कि रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साथ रिलेशन, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के साथ रिलेशन, और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के साथ भी रिलेशन होगा। जैसे इस केमिकल इक्वेशन में किसी एक सब्सटेंस का रिएक्टेंट का मोल दिया गया है, प्रोडक्ट का मोल पूछ रहा है, या प्रोडक्ट का मोल दिया गया बेटा रिएक्टेंट का मोल पूछ रहा है। यही सेम फंडा सब में अप्लाई करेंगे। जैसे मास से मास के बीच में रिलेशन क्या हुआ, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो था क्या दिया गया मास, दूसरे रिएक्टेंट या दूसरे प्रोडक्ट का क्या पूछ रहा है बेटा, मास पूछ रहा है, ठीक है ना। जैसे किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई गैसेस सब्सटेंस है और एचटीपी एनटीपी पे बात कर रहे हैं, तो उसका कुछ वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है ना, किसी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, और दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ रहा है। इसी तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो था देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल से किसी रिएक्टेंट में चाहे इसका या इसका नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है, इसका पूछ रहा है, या इसका नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है HCl का, इसका पूछ रहा है बेटा, या कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है, प्रोडक्ट में से किसी का नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, या तीनों प्रोडक्ट में से किसी का नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है और रिएक्टेंट दोनों रिएक्टेंट में से किसी का नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है या दोनों का पूछ रहा है। फिर ये देखिए मोल से मास के बीच में रिलेशन, किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट का मोल दिया गया है, मास पूछ रहा है, या मास दिया गया है, मोल पूछ रहा है बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा। दोनों में से कुछ भी दे सकता है, मोल दे सकता है, मास पूछ सकता है, या मास दे सकता है बेटा, मोल पूछ सकता है। इसी तरीके से मोल से वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या हुआ है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी एक सब्सटेंस का या एक से अधिक सब्सटेंस का मोल दिया होगा और वॉल्यूम पूछ रहा होगा, या वॉल्यूम दिया है और उसके रिस्पेक्ट में मोल पूछ रहा है। इसी तरीके से मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन होता है, किसी एक सब्सटेंस का मोल दिया गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया बेटा, मोल पूछ रहा है, और वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो अगर हम लोग बोलते हैं आप मास और वॉल्यूम के बीच में, किसी एक सब्सटेंस का मास दिया गया है और दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम पूछ रहा है, लेकिन वॉल्यूम किसके लिए बेटा, गैस सब्सटेंस के लिए, एक बात ध्यान रखना HTP NTP पर है तो केवल गैस सब्सटेंस के लिए अप्लाई होगा वॉल्यूम। अब किसी जो है HTP या NTP पर गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया गया है और किसी दूसरे सब्सटेंस का, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसका क्या पूछ रहा है, उसका मास पूछ रहा है बेटा। इसी तरीके से मास और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन होता है, किसी सब्सटेंस का मास दिया गया है और दूसरे सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, या किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है उसका मास पूछ रहा है। फिर इसी तरीके से वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में रिलेशन,
किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो तक क्या दिया गया है, वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, या किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वॉल्यूम केवल गैसेस सब्सटेंस के लिए अप्लाई होता है, ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। इसी आपस में जो रिलेशनशिप होता है, इसी रिलेशनशिप को कहा जाता है स्टोकोमेट्री कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? स्टोकोमेट्री। यानी कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के साथ, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के साथ, डिफरेंट टर्म में आपस में रिलेशन होता है, मोल से मोल के बीच में, मास से मास के बीच में, वॉल्यूम से वॉल्यूम के बीच में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, या इनका आपस में जो था म्यूचुअली एक दूसरे के साथ जो भी रिलेशन होगा, ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं बेटा? स्टोकोमेट्री कहते हैं। अब आइए, स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट किसको कहते हैं? किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंस के जितने भी मोल्स प्रेजेंट होते हैं या जितने उसके कोफिशेंट प्रेजेंट होते हैं वो स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो कि कैल्शियम कार्बोनेट के पहले कुछ नहीं लिखा है, तो इसका स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट क्या होगा बेटा? 1 होगा। यह HCl है, इसके पहले 2 लिखा है, तो इसका स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट क्या होगा बेटा? 2 होगा। इसके पहले कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 होगा इसका स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट, इसका भी कितना होगा बेटा? 1 हो जाएगा। CO2 मॉलिक्यूल का भी स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट कितना होगा? 1 हो जाएगा। यानी कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसी भी सब्सटेंस के पहले जो उसके मॉलिक्यूल्स के नंबर लिखे हैं, जो उसके मोल्स के नंबर लिखे हैं बेटा, वही कहलाता है स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट कहलाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ बेटा। देखिए, स्टोकोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंसेज। अब अगर हम लोग किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साथ आपस में रिलेशन होता है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के साथ आपस में रिलेशन होगा, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ रिलेशन होता है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के साथ रिलेशन होता है, और ये रिलेशन डिफरेंट टर्म में होता है, मोल से मोल के रिस्पेक्ट में, मास से मास के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम से वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, ऐसे। फिर किसी एक को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको क्या किया बेटा? कांस्टेंट कर दिया। अब इसका रिलेशन मैं मास से देखूंगा, मोल से मास के साथ रिलेशन, मोल से वॉल्यूम के साथ रिलेशन, मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेशन। फिर देखिए, मैं इसको कांस्टेंट कर रहा हूँ, मास का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, मास का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेशन। फिर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहा हूँ बेटा, वॉल्यूम का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेशन। ये सब जितने भी जितना रिलेशन होते हैं, और फिर हम नंबर ऑफ पार्टिकल को कर रहे हैं कांस्टेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल का मास के साथ रिलेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल का मोल के साथ रिलेशन। ये जो आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट और आपस में क्रॉस रिलेशन, ऐसे रिलेशन को ही स्टोकोमेट्री कहते हैं बेटा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग, जैसे मैंने आपको चार्ज बताया 1, 2, 3, 4, तो ये फंडामेंटल है बेटा, ये बेसिक रिलेशन है। और जब इनका आपस में, इसका जो था मोल का मास के साथ, मोल का वॉल्यूम के साथ, मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, या मास का देखें जो था मोल के साथ, मास का वॉल्यूम के साथ, मास का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, वॉल्यूम का मास के साथ, वॉल्यूम का मोल के साथ, वॉल्यूम का नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, या नंबर ऑफ पार्टिकल का वॉल्यूम के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल का मास के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल का मोल के साथ, ये क्रॉस रिलेशन हुआ, ये म्यूचुअल आपस में इंटर रिलेशन हुआ। इसी रिलेशन को के बेसिस पर जब एक सब्सटेंस के थ्रू दूसरे सब्सटेंस को मेजर करते हैं, उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं बेटा, उसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, उसके मोल्स को फाइंड आउट करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को ही स्टोकोमेट्री कहते हैं। और स्टोकोमेट्री कोफिशेंट किसको कहते हैं? किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी सब्सटेंस के जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, वही स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट कहलाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये सारे जो तक क्या कहलाएंगे बेटा? स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट कहलाएंगे, जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है। ये बातें आपको समझ में आ गई। जैसे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमको कहना हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके 1 मोल CaCl2, 1 मोल वाटर और 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन करता है। इसी बात को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट
73 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके 111 ग्राम CaCl2, 18 ग्राम वाटर और 44 ग्राम या 22.4 लीटर एट HTP पर CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से भी हम इन बातों को कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्टोकोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसकी कुछ कंडीशन होते हैं इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, उन कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। आइए उन कंडीशंस को पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे स्टोकोमेट्री के क्वेश्चन और इन कंडीशंस को हम लोगों को फॉलो करना होगा सिस्टमेटिक तरीके से, तभी हम लोग कर सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके का मतलब क्या हुआ? स्टेप वाइज। अगर आपने जो था स्टेप को क्रॉस किया, रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा, इसलिए ये बात ध्यान रखें। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशंस, और ये कंडीशंस होते किसके लिए है? ये न्यूमेरिकल्स के लिए है। स्टोकोमेट्री के न्यूमेरिकल्स आप कैसे करोगे? इसके लिए पहली कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस विद करेक्ट मॉलिक्युलर फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये देखिए ये इक्वेशन मस्ट बी, मस्ट मतलब जोर दे के कहा गया बेटा, मस्ट बी बैलेंस्ड विद करेक्ट मॉलिक्युलर फॉर्मूला, MF का मतलब मॉलिक्युलर फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेज। ये पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन। जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी एलिमेंट जितने नंबर में रिएक्टेंट की तरफ है उतने ही नंबर में प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और करेक्ट मॉलिक्युलर फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है, तो अगर भूल से आपने CaCO4 लिख दिया, CaCO2 लिख दिया, है ना, या Ca2CO3 कर दिया, या CaC2O3 कर दिया बेटा, कुछ भी चेंज कर दिया, तो आप सर पटक लोगे, आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो करेक्ट फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होता है, अब आपने CaCl3 कर दिया, CaCl लिखा केवल, Ca2Cl लिख दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपका करेक्ट आंसर कभी नहीं आ सकता है। तो ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैंने बोला कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, ये देखिए इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस विद करेक्ट मॉलिक्युलर फॉर्मूला, करेक्ट मॉलिक्युलर फॉर्मूला होना चाहिए सब्सटेंस का। दूसरी बात, जो भी केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंस प्रेजेंट है उनके मोल्स और मास को असाइन कीजिए कि सब्सटेंस के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं और उनके कितने मास प्रेजेंट है, जैसे मैंने इस केमिकल इक्वेशन में लिखा है। तो फिर दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, असाइन मोल्स एंड मासेज ऑफ सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन केमिकल इक्वेशन। क्या आपको डिटरमाइन करना है बेटा? मोल्स, कि कितने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मोल किसी सब्सटेंस के प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितना उसका मास है, मास एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फिर तीसरे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसके टर्म में क्या पूछा जा रहा है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि यहां पर मास है, तो मास से मास पूछ रहा है कि मास से मोल्स पूछ रहा है, या मोल से मास पूछ रहा है, या मास से वॉल्यूम पूछ रहा है, या वॉल्यूम से मास, तो आपको रिलेशन आइडेंटिफाई करना है और किसके रिस्पेक्ट में किसका पूछा जा रहा है, किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में दूसरे रिएक्टेंट का, या किसी एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोडक्ट का, या किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का, या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट का पूछ रहा है, तो आपको इनका रिलेशन फाइंड आउट करना बेटा, समझना है। तो ये देखिए फाइंड आउट इंटर रिलेशन बिटवीन सबस्टेंसेज, ये फाइंड आउट करना है।
इंटर रिलेशन का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि किसके टर्म में, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। अब किसी का मास दिया है, मोल पूछ रहा है कि मोल दिया है मास पूछ रहा है, मोल दिया है वॉल्यूम पूछ रहा है या वॉल्यूम दिया है मोल पूछ रहा है, मोल दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है मोल पूछ रहा है, जो इसके पहले मैंने आपको बताया था, वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है ना। फिर अगर कोई गैस सब्सटेंस है और वो एचटीपी एनटीपी पर प्रेजेंट है, तो वन मोल सब्सटेंस के लिए उसका वॉल्यूम एचटीपी एनटीपी पर 22.4 लीटर होगा। देखिए, फॉर गैस सब्सटेंस जो वॉल्यूम होगा ये 22.4 लीटर होगा एचटीपी एनटीपी पर, ऐसे क्वेश्चन का कुछ भी लैंग्वेज हो, फॉर वन मोल गैस सब्सटेंस। ये एक मोल गैस सब्सटेंस के लिए ऐसा होगा बेटा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, एक मोल गैस सब्सटेंस के लिए ऐसा। दो मोल हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, तीन मोल हो जाएगा तो इसका ट्रिपल हो जाएगा, फोर मोल्स होगा तो इसका फोर टाइम्स हो जाएगा बेटा, हाफ मोल होगा जो तो इसका हाफ हो जाएगा, वन बाई फोर मोल होगा तो इसका वन बाई फोर हो जाएगा। तो ये केवल गैस सब्सटेंस के लिए होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और कितना लेंगे, 22.4 लीटर। एक लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे स्टोकोमेट्रिक से रिलेटेड, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यूनिटी मेथड के बेस पर करोगे बेटा, यूनिटी मेथड, इकाई विधि, जो मैंने आपको बताया था मोल कॉन्सेप्ट में। तो यूज यूनिटरी मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूनिटरी मेथड का यूज करना है, यूनिटी मेथड का यूज करना है, इसको हिंदी में इकाई विधि भी कहते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी। अभी स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टोकोमेट्री और स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में बताया, और मैंने बताया कि किस तरीके से स्टोकोमेट्री के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और इनमें आपस में डिफरेंट रिस्पेक्ट में किस तरीके का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्रॉस रिलेशनशिप होता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, उस नए टॉपिक का नाम लिमिटिंग रिएक्टेंट है, या इसी को लिमिटिंग रिएजेंट भी कहेंगे। इसको मैं सिंबल एल आर से रिप्रेजेंट करूंगा, एल का मतलब लिमिटिंग, आर का मतलब रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इस बात के बारे में जानेंगे। जैसे मैं आपको एक सोशल एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा टेबल है, हैवी टेबल है, और वो इतना हैवी टेबल है कि मैं उसको अकेले उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकता हूँ बेटा, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी, मेरी वाइफ मिसेज डॉली शुक्ला अगर आ जाए, वो मेरे हेल्प कर दें, तो मैं उसको उठा के कुछ दूर तक ले जा सकता हूँ अगर वो हेल्प कर दें। अब मैं आपको यहाँ पे ये बात कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग हूँ एज कम्पेयर टू माई वाइफ, ठीक है ना। मतलब मेरी वाइफ वीकर हैं एज कम्पेयर टू मी, मैं ज़्यादा स्ट्रांगर हूँ, ठीक है ना, बात को समझिएगा। लेकिन मैं टेबल इतना भारी है कि मैं उस टेबल को अकेले उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन अगर वो मेरा साथ देंगी तो हम लोग दोनों मिलके उसको उठाकर ले जा सकते हैं। अब वो टेबल कितनी दूर जो तक उठा के ले जाया जा सकता है, आप गेस कीजिए, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा या मेरी पत्नी के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। आप सोचो, मैं ज़्यादा स्ट्रांगर हूँ, पत्नी जो था कंपेटिवली वीकर है मेरे कंपेयर में, है ना। तो बताओ कि किस पर डिपेंड करेगा, आपने गेस किया क्या, बोलिए किस पे बेटा, नहीं आया समझ में। ये बातें किस पर डिपेंड करेगी, मेरे मिसेज पर डिपेंड करेगा। वो जब तक साथ देंगे तब तक वो टेबल हम लोग उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। लेकिन जब वो बोल देंगे बस अब मैं नहीं उठा सकती हूँ, मैं टेबल रख रही हूँ, तो टेबल इतना भारी है, मैं भले ही स्ट्रांग हूँ लेकिन मैं अकेले नहीं ले जा सकता हूँ जब तक वो मेरा साथ नहीं देंगी। यानी कि टेबल कितना दूर जाएगा वो किस पर डिपेंड किया, वीकर पर्सन पर, जो कमज़ोर पर्सन था उस पर्सन पर डिपेंड किया, मेरी वाइफ पर डिपेंड किया, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं किया। ये पहला एग्जांपल।
दूसरा एग्जांपल समझिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं क्लास में 10-15 बच्चों के ग्रुप को पढ़ा रहा हूँ, मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, मैंने पूछा कि बच्चों सबको समझ में आ गया, उसी समय जो था 4 बच्चे खड़े हो गए, बोले सर एक बार फिर से। फिर दूसरी बार जो था मैंने उस टॉपिक को समझाया, फिर मैंने पूछा कि बेटा सबको समझ में आ गया, फिर 4 बच्चों में से 3 बच्चे बैठ गए और एक बच्चा खड़ा रहा, सर वन सेकेंड प्लीज, ऐसा जो था उसने बोला। फिर मुझे उस टॉपिक को तीसरी बार समझाना पड़ा, तब जो था सभी बच्चों को समझ में आया, उस तीसरे वाले बच्चे को, चौथे बच्चे को समझ में आया। यानी कि मेरे क्लास में पढ़ाने की स्पीड किस बच्चे पर डिपेंड की? सबसे कमज़ोर वाले बच्चे पर। जब तक सबसे कमज़ोर वाला बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता रहा, बार बार आर्गुमेंट करता रहा कि सर फिर से समझा दीजिए, फिर से समझा दीजिए, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाया। यानी कि क्लास में मेरे पढ़ाने की स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है? सबसे कमज़ोर वाले बच्चे पर डिपेंड कर रही है, सबसे वीकर बच्चे पर डिपेंड कर रहा है। ये मैंने आपको दूसरा एग्जांपल बताया। एक मैं तीसरा एग्जांपल और बताता हूँ बेटा। जैसे आप गांव देहात में देखे हो कि खेत में हल जोतने के लिए एक जोड़ी बैल की ज़रूरत पड़ती है। अब एक जोड़ी बैल में एक बैल जवान है, मजबूत है, दूसरा बैल बूढ़ा है, कमज़ोर है। ऐसी कंडीशन में खेत में हल कितने देर तक चलाया जा सकता है, कितना उस खेत को जोता जा सकता है, कितना उसमें प्लाउइंग की जा सकती है, ये किस पर डिपेंड करेगा? स्ट्रॉन्गर बैल पर भी, वीकर बैल पर? बेटा वीकर वाले बैल पर, जो बूढ़ा बैल है, कमज़ोर बैल है, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जो जवान है, मजबूत बैल है, वो तो थकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। तो जब तक बूढ़ा वाला बैल उसका साथ देता रहेगा, उसके साथ चलता रहेगा, तब तक खेत में हल को जोता जा सकता है। लेकिन जैसे ही बूढ़ा वाला बैल थक गया, वो खेत में बैठ गया, तो अकेले जवान वाला बैल खेत को नहीं जोत सकता है, यानी कि वीकर पर डिपेंड किया। यही पूरा थीम था बेटा इस टॉपिक का पढ़ाने का। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यह N2 नाइट्रोजन गैस है, ये 3H2 ये हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया, ये प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो अमोनिया बनता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन अकेले नाइट्रोजन नहीं कर सकता बेटा, अकेले हाइड्रोजन नहीं कर सकता है। जब तक दोनों एक दूसरे से कंबाइन नहीं करेंगे, तब तक अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात समझ में आई? अब अगर जैसे मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि किसी केमिकल रिएक्शन में ये 10% प्रेजेंट है और ये कितना परसेंट प्रेजेंट है बेटा? जो था ये 5% प्रेजेंट है। ये बात समझिए। अब इसका 1% इसके 1% के साथ, इसका 2% इसके 2% के साथ, इसका 3% इसके 3% के साथ, 4% इसके 4% के साथ, 5% इसके 5% के साथ, इसका 6%। अब देखिए, ये तो खत्म हो गया ना बेटा, अब ये तो नहीं रहा ना, तो ये तो अवेलेबल है, लेकिन ये क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया ना, ये रिएक्शन में फिनिश हो गया। तो क्या नाइट्रोजन अकेले अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकता है? क्या नहीं कर सकता बेटा। तो ये रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो गया, इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे बेटा, LR से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, या लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। अब रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी जो रिएक्टेंट बचा है, जैसे ये बचा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे, या इसी को एक्सेस रिएजेंट भी कह सकते हैं। नाइट्रोजन क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अमोनिया इस रिएक्शन में बन रहा है और ये कितने अमाउंट में बनेगा, या अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे बेटा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? एक्सेस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट पर? तो ये डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, यानी कि अमोनिया इस रिएक्शन में जो बन रहा है, इसका अमाउंट, ये देखिए, अमाउंट ऑफ NH3 डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि हाइड्रोजन जब तक अमोनिया के साथ रिएक्ट, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता रहेगा, तब तक अमोनिया बनता रहेगा, और अगर हाइड्रोजन खत्म हो गया तो नाइट्रोजन बचा है, फिर भी
ये अकेले अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ये मेरी बातों को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि वन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस विच कम्प्लीटली कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन या विच फर्स्ट कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एनादर सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। बेटा हमेशा आप ध्यान रखना कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया तो ये वाला एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा, अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया तो ये वाला एक्सेस रिएक्टेंट होगा बेटा, है ना। तो अगर जब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं तो हमको कोई भी रिएक्टेंट मिल गया, जैसे अगर एक्सेस रिएक्टेंट पता कर लिया तो दूसरा वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, या लिमिटिंग रिएक्टेंट पता कर लिया तो फिर क्या होगा बेटा, एक्सेस रिएक्टेंट हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी पता चल जाए, अगर एक्सेस रिएक्टेंट पता हो गया तो पता चल जाएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, या लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल गया तो ये पता होगा कि एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होगा। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है। यही है लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब इसके क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, इसके न्यूमेरिकल करने की क्या कंडीशन होती है, इसके क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, नीट जेई एग्जाम 11th एग्जाम्स में, सीटी एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि मैंने आपको स्टोकोमेट्री में बताया था। जैसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है बेटा कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस विद करेक्ट फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। तो ये देखिए जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस विद करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेज। तो रिएक्शन पहली बात तो मस्ट बी बैलेंस, ये बैलेंस होना चाहिए, और दूसरी बात सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था बिल्कुल सही सही होना चाहिए। सब्सटेंस का सही सही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी केमिकल रिएक्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7 है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। अगर मैंने K2Cr2O6 लिख दिया, K2Cr2O5 लिख दिया, K2Cr0O7 लिख दिया, ऐसा कोई भी चेंज हो गया बेटा, तो ऐसी कंडीशन में आप आंसर सही सही नहीं निकाल सकते हो, ये बात आप ध्यान रखना। तो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सही होना चाहिए और केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब रिएक्टेंट की तरफ जितने एलिमेंट हैं कोई भी, उतने ही एलिमेंट किधर होना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। जैसे इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करेंगे, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3-2+6 हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे भी 2-3+6 हाइड्रोजन है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ सभी एलिमेंट बैलेंस है बेटा, इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट कोई भी आप आइडेंटिफाई कर लो। जैसे अगर आपको पता चल गया एक्सेस रिएक्टेंट तो दूसरा वाला जो रिएक्टेंट होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, या क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है और अगर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट किया तो जो दूसरा वाला जो था सब्सटेंस होगा रिएक्टेंट वो एक्सेस रिएक्टेंट। तो फिर यहां पर आप देखो डिटरमाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट, एल आर का मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट, ई आर का मतलब एक्सेस रिएक्टेंट, दोनों में से कोई भी आप आइडेंटिफाई कर लो बेटा। अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया तो ये पता चल जाएगा, अगर ये वाला ई आर वाला आइडेंटिफाई कर लिया तो ये पता चल जाएगा। फिर तीसरी और इम्पॉर्टेंट कंडीशन, यूज यूनिटरी मेथड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। जो भी इसके ऊपर जो तक क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में आप बिल्कुल स्टोकोमेट्री की तरह ही, मूल कॉन्सेप्ट की तरह ही यूनिटी मेथड का यूज कीजिए, इकाई विधि का प्रयोग कीजिए। और यूनिटी मेथड क्या होता है ये मैंने आपको समझाया हुआ है। तो बस ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है क्वेश्चन करने के लिए। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थ्योरी नहीं पूछा जाता है जनरली। तो पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए और सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम करेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात,
आप लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट दोनों में से कोई भी एक डिटरमाइन कर लो। अब ये देखो, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर पता चल जाएगा और एक्सेस रिएक्टेंट पूछा गया तो दूसरा वाला रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट होगा, या अगर हमको एक्सेस रिएक्टेंट पता चल गया है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा बेटा, दूसरा वाला रिएक्टेंट होगा कोई भी। फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनेगा वो कितने अमाउंट में बनेगा, उसका कितना मोल्स बनेगा, उसका कितना वॉल्यूम होगा बेटा, ये सारी की सारी बातें किस पर डिपेंड करती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट पर। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ NH3 मतलब प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन केमिकल इक्वेशन डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, स्टोकोमेट्री के सॉल्व करके दिखाऊंगा और लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तब तक आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए, मुझे अप्रिशिएट करते रहिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हो, मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप जाके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।